ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी, वो हमारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। देखे, चुप रहो। वो नौजवान था, जवानी की जोश में उससे भूल हो गई। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी ममता के साथ में रेप किया है। गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन अगर गुनाह किया है तो मैं तुम्हारी बेटी ममता का हाथ मांगने के लिए। देखिए पिताजी, इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना, ममता बहन की शादी इनके वहां से नहीं हो। नहीं बेटा, आप भूल रहे हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, मुझे धन और दौलत का लालच नहीं है। देख बेटा विशाल, मंत्री जी सही कहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी की जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अगर हम शादी या रिश्ता तय कर लेंगे तो हमारी बेटी की जिंदगी सवर जाएगी और बेजती जो बेजती हो रही वो बेजती से हम बच जाएंगे। बच जाओगी और खर्चा ऐसे जेट तक हमारा रहेगा, दोनों तरफ का खर्चा रहेगा। हम दहेज नहीं लेंगे। क्या दहेज नहीं लोगे? हम सिर्फ तुम्हारी बेटी ममता का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। देखो मंत्री जी भी कहते हैं कि हम कुछ दहेज भी नहीं लेंगे, सिर्फ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगेंगे। इसमें तुम्हारे क्या राय है? अब पिताजी आपकी जैसी मर्जी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कह रही है। ये शादी हो जाने दो, क्योंकि हमारी बेटी मंत्री शंभुनाथ के घर जाएगी तो सुख से पैरों पलकों पर रहेगी, कोई उसे दुख नहीं। अगर ऐसी बात है पिताजी तो जैसी आपकी इच्छा। ठीक है मंत्री जी, ये रिश्ता मुझे ये रिश्ता तुमको मंजूर है। इस रिश्ते में कोई दबाव कोई मलाल नहीं है, बल्कि रिश्ता रजामंदी मंजी से हो रहा है। लेकिन मास्टर साहब, पहले एक हलफनामा लिख दो कि मुझे आज तक हमारी और मंत्री शंभुनाथ की दुश्मनी रही, आज से दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में बदल रहा है। क्या लिखना है? लिखो मंत्री शंभुनाथ उनके बेटे नागेश्वर आज तक हमारी दुश्मनी रही है, लेकिन मैं इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहा हूं और मैं अपनी बहन ममता का हाथ मंत्री महोदय शंभुनाथ के बेटे के हाथों में सौंप रहा हूं। मंत्री शंभुनाथ रखो राम भैया, ब्याह तो सही होगा बिटिया। छोड़ो इन बातों को, अब हम कहां जाएंगे मंत्री महोदय? मंत्री होने के नाते कहां चलेंगे रे? अरे मैं भी सामान जाकर मुहैया, मैं भी सामान जाकर मुहैया करूं। अरे कुर्सियां मेज लाऊंगा सलून से, 15 तारीख को बारात लाऊंगा मैं, आऊं चाहे ना कहां। तारीख 15 दिन बुधवार को बहुत धूमधाम से बारात आएगी। हाँ, और ऐसे जेट तक खर्चा हमारा रहेगा, इधर का उधर का दोनों तरफ के हलवाई लगा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शादी तय हो गई, नाच भाई बहु वाला लाओ।
अरे वो चुटकी दिलाए वो हम नाच तुम बढ़िया लगा तो हम जा वो उठा लगाने वो ही नाच अरे नमस्कार आगे से की जाती अरे तुम्हारे उनका मुंह उनकी तरफ उनका मुंह तुम्हारे तरफ हर जगह खाली भरी लेकिन रामू अब तो बहन की शादी भी पक्की हो गई है शादी तो ही हो गई 15 तारीख को बारात भी आएगी 15 तारीख बारात आई बारात की तारीख विदाई हुई हाँ चलो टेंट लाई चलो चलो बारात की जितनी व्यवस्थाएं हैं सब और ये सोच लो नाश्ते पे तुम रहोगे नाश्ते में हम रहेंगे पनीर के सब्जी खाली जनतिया खाई है और आलू खाली भुजिया बरते पनीर की सब्जी सब बर्तिया खाएंगे और आज पनीर सब्जी जनते हैं नहीं के हो वो पाए पूजे में दिखे ओए बेइज्जती हो जाएगी यार बेइज्जती हो जाएगी इसलिए पनीर की सब्जी बराती खाएंगे और आलू की सब्जी जनाते हां क्या बात और जीजी हो रही खौसाई ना कहड़ो छटवा अपने पड़े घर से झौवा छटवा तसला लाया जाएगा फट देसन माटी ला जाए के और जल्दी कहुला बने मिले हाँ यो बता रहे तेल पूजे जब चाहिए तो आइए बाबू हो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया लाला मुनि मैंने क्या बोला था दोनों तरफ का खर्चा हमारा रहेगा कम से कम बारात लेकर के चले चल रहे हैं कम से कम बैंड बाजा तो किया होता बैंड बाजा हमने कर लिया है ओ भैया कट्टे टकाई दे ट्राली ले जाओ चल क्या कोई बैंड बैंड बाजा है बैंड का लाइन है अरे मशहूर मशहूर बैंड बाजा लाइन जाने कहां क्या लाइन बैंड बजा कहाँ गया लान कहाँ से लाए हो कल्ली क्या कल्ली हाँ गोला बारूद कम दागो मालिक बोलो बैंड बजा लान बैंड बजा लाए हो ले तो मजा आएगा मजा आ जाएगा बाजा बजा लेते हैं अरे बहुत बढ़िया है धमका दे तो सुनाओ भैया कुर्सी यार भैया बेइज्जती वाली बात है यार कुर्सी दे टिपिर तो टिपिर टिपिर धो मार पिया जर से गवा अरे धो ये कौन सा बैंड बाजा है ढोलका
बोले वो ढोलका होते हैं, चलो उनसे कह दो गाते बजाते मास्टर दीनानाथ के घर चले, ताकि समय निकल जाएगा और बारात का समय निकल जाएगा तो बारात ले जाने से फायदा था। तो रही गली मेरी मां छोड़ दे और जल्दी से बैठाल के नाश्ता लाओ। कितने बर्थडे आए भैया, सब लोग आराम से बैठो, पर नाश्ता लो, घर की रास्ता लो, नाश्ता ले, घर के बन रास्ता ले, और कहीं पर बैठे अगर टेंट डला के बैठे कर जब गए सुनो हमारे धान काटेगा। जितने भी जनाती और बराती बैठे हुए यहाँ आओ, यहाँ आओ, इन लोगों का कुछ तुमने स्वागत तो सम्मान किया या नहीं किया? हमारी जितनी माता बहनें आई हैं सबके लिए दूध दूध पेलियां नुक्ते की दही दे। बोलती कहा नहीं है कौआ तो ना खाई नहीं बोलती नहीं गौरा नौकर और साले 12 पेटी केला लाया था साले नहीं दिया किसी को। हे हां यार तू बैठो मार लाड़ा ला 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 और जितने बराती आए हैं दो दो रसगुल्ला देने एक एक केला दे देने। अब फरसेता हो अब फल फलारी दे देने। रुक जाओ बरात खाई का है बाबा, बाबा बरात खाई का, हां बरात खाई का वालद खाई का हो बीड़ी पी लो फल फला पाए हो। फल फलूट बोलते हो तुम साले, फल फलान खिला रहे हो। मास्टर साहब देखे 12 बजने वाला है, धूप हो जाएगी। 12 बजे के बाद फिर जो है और ही नहीं पड़ती, खाली जयमाला ही पड़ती, तो फिर जयमाला पड़ जाएगा। तुम बैठो, सुनो देखो आज हमारे बहन की है शादी, शादी शादी बहुत लोग हमें बता रहे थे कि हम डांस करेंगे, वो करेंगे। अरे यार क्या बात है, बताओ तो बताओ, घूर उल्टी डर रही है भाई। चलो घूर है पढ़ते नाटक द्वार चार पर तक आवाज जाती है। अमेरिका देखिए पढ़ा लिखा है कि कुछ बैठा। हेलो मास्टर साहब तुम भीतर जाओ यार, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर देखो। खड़े भैया भैया यार बहुत बड़ी कमी है लुंडा कर यार, यह के तो नाक करे खाली मुंह है। किसी के क्या नाक के ऊपर होता है? हां तेरे तो हमरे हये नहीं, हमरे हये नहीं, जाना है तुम बादर, हये नहीं हमरे हये नहीं, यो मात ये भौं है या ना हमरे यार वा। ए भैया कहू हुई क्या मेरा बेटा हकलाया बौरा है साले बता रहे हो? तो ये कह नहीं रहे तो फिर कहवाओ कह ना कह दो हुई कहो। मजाक ना करबा, जो मजाक करबा तो तुम्हारे ठोकी करबा।
जोर से कहो उई। हम तुम्हारे बहनोई यार, मजाक तुम अच्छी कर ले तो अच्छा। अबे मजाक कर रहे तो पेट्रोल थोड़ी कहाँ लगाएगा। देखो बेटा, बेटी भैया के जयमाला भी ना, एक दूसरे के जयमाला। कर्पूर गरम त्रि मिनट मोरा धरते उल्टा चपक जाए। शादी करना ना मास्टर साहब, तुम्हें जान ना पाओ। कर्पूर गरम त्रि मिनट मोरा धरते उल्टा चपक जाए फोरम। हिंदू भाई घर जब शादी होती है तो मड़िया के तरह कपूर दिया जलता कि नहीं जलता। आए जलावा जाती नहीं जलावा। कर्पूर गरम त्रि मिनट मोरक धरते ईटा चपक जाए फोरम। अगर एक दूसरा मकान ना बने हो तो वह हमका मेहरू का रखे हो, वह हमका तुम्हारी बहन रखे है। कर्पूर गरम त्रि मिनट मोरक धरते ईटा फटे गया फोरम। चलो एक दूसरे के माला डालो। बोल शंकर भगवान की, रामचंद्र की। चुप रहो रे, रे। तो जयमाला हो गया है, अब सबको ले चलो खाना वाना खिलाओ। चलो तुम लोग सब जने खा ले, खाओ। चलो पिताजी, कोई पराठी खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? हाँ, क्यों नहीं खाएगा खाना भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी गलती हो गई? जो पिताजी मानता हूँ कि तहज की बात नहीं हुई थी, लेकिन ये बात नहीं हुई थी। हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो पिताजी? तुम चिनोशी अगर वापस लेंगे नहीं, नाम क्यों झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैंने वचन दे चुका हूं कि हम दहेज नहीं लेंगे। क्या मेरे पास किसी चीज की कमी है? पिताजी
जरूरत नहीं, झगड़ा कर दो। अरे करने की कोई जरूरत नहीं, देख चुका हो बच्चन वो मैं पलटू नहीं, शादी होकर रहेगी तेरे साथ में, देख चुका हो बच्चन वो। नहीं होगी, ये सारा तो टके का तुम्हारे बेटे नौ चलो बात करी जबान खींच लो का। तुम भी मेरे बेटे हो, इसके ये 55 साल पैदाइशी कुछ पहले है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? मादर चोद, अगर ये हम जानते तुम बारात में लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम्हारा हम रिश्ता नहीं करते। ऐसे साले रुदवार नहीं बेटा विशाल, तुम यार क्या बात कर रहे हो? देखो बराते यार, बारात घर से चली जाएगी तो हमारी तुम्हारी बेइज्जती होगी। पिताजी आज इस कमीने के तुम पैर छूत गए, तुम्हें देखा तो हमसे रहा नहीं गया। अरे पिताजी इतना गंदा आदमी है, इतना कमीना, इतना जलील इंसान है। मैंने पहले भी तुमको समझाया था कि इन कमीनों के घर रिश्ता बात करिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं बजा। नहीं तुम नहीं जानते हमेशा। देखिए मेरा बेटा दहेज नहीं मांगता है तो क्या होता है, ये बहुत छोटी सी बात है, वापस ले। करते हो मंत्री जी, तुम कहते थे हम कोई चीज शर्त नहीं रखेंगे, कोई चीज नहीं मांगे, तनिक दहेज नहीं मांगे, और आज तुम ऐसी शर्त रख दिया। और क्या मांग रहे हो? दहेज नहीं मांग रहे हैं। हलफनामा पीछे रखा है। अरे भाई मानते हैं कि इस बार अपना पर्चा वापस ले लो, अगली पंचवर्षी में मैं आपको। देखिए इस साल जो विधायक का इलेक्शन आ रहा है, तुम अपना पर्चा वापस कर लो, हम दहेज नहीं मांग रहे, बस छोटी सी बात है, तुम अपना पर्चा वापस कर लो ताकि हम निर्विरोध मंत्री हो जाएंगे। हम मंत्री हो जाएंगे तो हमारा नहीं मंत्री, समझो तुम मंत्री। कैसी शतरंज चाल चल रहे हो नेताजी? आज सात भौरी डालकर और मुझे बंधन में फंसा कर आज तुमने ये किया कि हलफनामा वापस ले, अपना नाम चुनाव से वापस ले ले। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी भाई दहेज हम नहीं मांग रहे हैं, ये छोटी सी बात मांग रहे हैं, ये पर्चा अपना वापस ले लो, कह दो हम इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। नेताजी तो मैं वापस लेता हूँ, अपना चुनाव से नाम वापस लेता हूँ। पिताजी ठहरो, ये आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते हैं कि ये फूलपुर की जनता को आप पे कितना विश्वास है? आप उस जनता को विश्वास पे ठोकर मार रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, जिसमें हमारी बेटी की खुशी उसमें हम सबकी खुशी है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो क्या भूखे मर जाऊंगा? नहीं, मुझे काम करने दो बेटा। पिताजी एक बार सोच लो। मेरा सोचना तुम्हारा समझना एक ही बात है। लेकिन पिताजी बहन की विदाई का समय हो गया है, लेकिन चाचा जी